जीत कौर सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वस कॉन्फ्रेंस थ्री ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि औरतों के बढ़ावे के लिए उनकी एजुकेशन के लिए काम करती है आज हम अपनी परेशानी व्यक्त करना चाहते हैं इस बारे में कि यूपी में औरतों की और लड़कियों की हालत बहुत खराब है श्री योगी जी मुख्यमंत्री से मेरा ये सवाल है कि क्या वो अपने पुलिस और केवल लव जिहाद के तहत युवाओं को गिरफ्तार करने में व्यस्त है या वे यूपी की महिलाओं और युवा लड़कियों की सुरक्षा के बारे में भी परेशान हैं सितंबर में हाथरस में भयवय मामले के बाद जहां एक 19 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और परिवार की उपस्थिति और सहमति के बिना पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके शव को अग्नि दे दी गई थी श्री डीएम हाथरस को निलंबित कर दिया गया लेकिन दिनांक दिसंबर 2020 में फिर से अपने पद पर वापस आ गए थे एआरडब्ल्यूसी सी ये जानना चाहती है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने गैर जिम्मेदारना बयान दिए और लड़की के शव को अग्नि देने का दुस्साहस किया उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है अगर सरकार ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती तो ये कहानी फिर से बदायू में नहीं दोहराई जाती जहां एक 50 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और पुलिस की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यहां तक कि शव का पोस्टमार्टम भी दो दिन बाद किया गया पुलिस ने परिवार द्वारा दी गई शिकायत की शुरुआत में दर्ज करने से इनकार कर दिया हाथरस की कहानी एक बार फिर दोहराई गई है एच को निलंबित कर दिया गया है और जब मामले का प्रचार खत्म हो जाएगा तो उसे भी दो महीने के बाद वापस काम पर रख लिया जाएगा अस्थायी रूप से एसएचओ या डीएमओ को निलंबित करना महिला सुरक्षा की का, समस्या समस्या का का सुधार नहीं है जब तक ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है और उनके प्रशिक्षित नहीं किया जाता सरकार कभी भी ऐसे मामलों को नहीं रोक पाएगी युवा लड़कियां और महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार होते रहेंगे और युवा लड़के और पुरुष लड़कियों का बलात्कार करते ही रहेंगे जब तक आपकी सरकार इनके बारे में कोई भी अच्छे स्टेप्स नहीं उठाती है आईडब्ल्यूसी मान मांग करता है कि उन एस और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने में शामिल थे और एसपी संकल्प शर्मा जी ने भी ये बयान दिया है कि भले ही परिवार ने पहले दिन लिखित शिकायत दर्ज नहीं की लेकिन को अपराध स्थल का निरीक्षण करना चाहिए था उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जांच के दौरान पाया गया कि कई पुलिस अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और उनके खिलाफ भी हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए एआरडब्ल्यूसी सी मांग करता है कि कार्रवाई को टीवी और समाचार पत्रों पर प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि ये अन्य अधिकारियों के लिए एक सबक के रूप में कार्य करें जो अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल होते हैं रोज दिन यूपी में ये बलात्कार की अफवाहें फिरती रहती हैं खबरें आती रहती हैं और हम इन चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बात को सीरियसली लिया जाए औरतें और लड़कियां जब तक सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तब तक उनकी जिंदगी एक नरक बन जाएगी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम सवाल करते हैं बेटी किस लिए बचाए ताकि वो बड़ी हो जाए और उनका रेप हो जाए और आपके जो नौ नौजवान है वहां के और जो आपके इवन मंदिरों के पुजारी हैं वो उनका रेप कर रहे हैं पहले तो हम कहते थे कि कार्यस्थल पर सड़कों पर बसों पर लड़कियां और युवा युवतियां सेफ नहीं हैं लेकिन आपके इस पचास साल की औरत के बलात्कार ने ये प्रूव करा है कि औरतें मंदिरों में भी सेफ नहीं है अगर मंदिर में जाना भी औरत को मना करना चाहिए वहां पर भी उसका बलात्कार हो सकता है तो योगी जी हमें बताइए कि आप औरतों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं औरतों की सुरक्षा के लिए क्या काम कर रहे हैं आपका भविष्य का क्या प्लान है कि कैसे जो औरतें और युवा लड़कियां हैं सुरक्षित तरीके से आपकी स्टेट में रह पाएंगी अगर मंदिर के पुजारी भी बलात्कार कर रहे हैं अगर वहां पर पड़ोसी भी बलात्कार कर रहे हैं पॉलिटिशियन भी बलात्कार कर रहे हैं पुलिस वाले भी कर रहे हैं तो औरतें और लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो हम ये चाहते हैं कि आप इन बातों पर ध्यान दें लव जहाद में लड़कों को कैद करना जेल में डालने की बजाय ये जो बलात्कारी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि युवा लड़कियां और औरतें जो हैं अपने आप को आपकी स्टेट में सुरक्षित महसूस कर सकें धन्यवाद